हेलो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्लास सेवेंथ मैथमेटिक्स आर एस अग्रवाल. इट इज़ चैप्टर नंबर 4, रेशनल नंबर्स, एक्सरसाइज 4A, क्वेश्चन नंबर 9. इन क्वेश्चन नंबर 9 वी हैव टू एक्सप्रेस 5/8 एज अ रेशनल नंबर विथ न्यूमरेटर 15 एंड -10. सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा दूँ कि हमें क्वेश्चन में क्या करना है. क्वेश्चन में हमें कहा है कि ये जो रेशनल नंबर है 5/8, यहाँ पे आप देख रहे हैं न्यूमरेटर अभी हमारे पास 5 है, बट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि आप न्यूमरेटर को 15 में चेंज कर दीजिए और -10 में चेंज कर दीजिए. इसका सॉल्यूशन कैसे करना है हम देखते हैं. सबसे पहले आप क्वेश्चन अपनी CW में नोट कर लीजिए. अब आपको दिया है 5/8, क्लियर, 5/8 ही दिया है. हमसे क्वेश्चन में बोला है कि ये जो न्यूमरेटर 5 है इसे 15 में चेंज करना है. तो आप 5 का टेबल कितने टाइम्स लेंगे तो आपको 15 मिलता है. ऑब्वियसली 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15. आपको 3 टाइम्स टेबल लेना हुआ तब जाके आपको 5 के टेबल में 15 मिला. ठीक है, तो ये जो 3 है हम इस 3 से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में भी, है ना. अब यहाँ पे जैसे ही हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करने पे 5 3s are 15 और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करने पे हमें मिला 8 3s are 24. इस तरह से आपका जो न्यूमरेटर 5 था वो 15 में चेंज हो गया. सेकंड कंडीशन हमें दी है -10. उसे कैसे करना है उसे भी देख लेते हैं. यहाँ पे हमें क्वेश्चन में 5 जो न्यूमरेटर है 5 को -10 में चेंज करना है. तो सबसे पहली बात, 5 का टेबल कितने टाइम्स लेंगे तो 10 आता है. 5 1s are 5, 5 2s are 10, यानी हमें 2 टाइम्स टेबल लेनी होगी. इसीलिए हमने 2 से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई किया है और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई किया है. साथ ही साथ हमें यहाँ पर -10 चाहिए. हमारे पास पॉजिटिव रेशनल नंबर है, +5 है. अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2s are +10 मिलने वाला है, लेकिन हमें -10 चाहिए इसलिए हमने यहाँ पर -2 लिया. -2 से हमने न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई किया, -2 से हमने डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई किया. अब आप मल्टीप्लाई किए कीजिए न्यूमरेटर से न्यूमरेटर, +-, 5 2s are 10. डिनोमिनेटर में जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं +-, 8 2s are 16. इस तरह से हमें न्यूमरेटर जो हमारा वो है वो 5 से -10 में चेंज हुआ और हमारा आंसर मिलेगा हमें -10/-16. इसी तरह से अब आपको क्वेश्चन नंबर 10 गिवन है. क्वेश्चन नंबर 10 भी आप देख लीजिए साथ में. क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सप्रेस 4/7 एज अ रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 21 एंड -35. क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बोला है कि ये रेशनल नंबर 4/7 जो है, ये 7 जो इसका डिनोमिनेटर है, इस 7 को आप पहले 21 में चेंज करो और फिर इस 7 को आप -35 में चेंज करो. ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने अपना रेशनल नंबर लिख लिया 4/7. अब हम 7 का टेबल कितने टाइम्स लेंगे तो हमें 21 मिलता है ये देखते हैं. 7 1s are 7, 7 2s are 14, 7 3s are 21. हमें 3 टाइम्स टेबल लेना हुआ तब जाके हमें 21 मिला. तो हमने 3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया, 4 3s are 12 और 7 3s are 21. इस तरह से हमारा डिनोमिनेटर जो 7 था वो अब हमें 21 में चेंज करके मिल गया. सेकंड कंडीशन उन्होंने हमें दिया है कि आप डिनोमिनेटर को 35, वो भी -35 में चेंज कीजिए. 7 का टेबल कितने टाइम्स लेने पे हमें 35 मिल रहा है वो चेक कर लेते हैं हम. 7 1s are 7, 7 2s are 14, 7 3s are 21, 7 4s are 28, 7 5s are 35. ओके, तो यहाँ पे हमें 5 टाइम्स टेबल लेना हुआ. 5 टाइम्स लेने पर हमें यहाँ पर 35 मिला है, इसीलिए मैंने 5 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है. सेकंड कंडीशन यहाँ पे ये है कि हमें -35 चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस साइन भी लगा दिया ताकि हमें ±-35 मिल जाए. हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे. +-, 4 5s are 20. डिनोमिनेटर में आप देखिए +-, 7 5s are 35. इस तरह से हमारा जो डिनोमिनेटर था 7, उसे हमने -35 में चेंज कर दिया है. आई होप आपको सॉल्यूशन क्लियर है.
सेम लाइक दैट क्वेश्चन नंबर 11 भी है, उसमें भी हमें यही प्रोसेस करनी है। इसलिए सारे क्वेश्चन एक साथ ही एक ही वीडियो में मैं बनाती जा रही हूँ, क्योंकि सारे क्वेश्चन में हमें वही करना है जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में 9 क्वेश्चन में किया है। एक्सप्रेस -12/13 एज अ रेशनल नंबर विथ न्यूमरेटर -48 and 60। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें रेशनल नंबर दिया है -12/13, इसका न्यूमरेटर हमें -48 और 60 में चेंज करना है। तो हमने सबसे पहले हमारा रेशनल नंबर लिख लिया -12/13। अब -12/13 को हमें करना है चेंज -48 में। तो हम 12 का टेबल देखते हैं, 12 के टेबल कितने टाइम्स लेने पे हमें 48 मिल रहा है। 12 ones are 12, 12 twos are 24, 12 threes are 36, 12 fours are 48। 4 टाइम्स टेबल लेने पर हमें 48 मिल रहा है, इसीलिए मैंने न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई किया है। अब हमने जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमें किस तरह प्रोडक्ट मिला, देखिए। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई किया मैंने, माइनस प्लस माइनस, 12 fours are 48, प्लस प्लस प्लस, 13 fours are 52। इस तरह से आप देखिए, आपका जो न्यूमरेटर -12 था वो अब आपको -48 में चेंज होकर मिल चुका है। सेकंड कंडीशन हमें दी है कि आप न्यूमरेटर जो है उसे 60 में चेंज कीजिए। -12 को अब हमें किसे चेंज करना है, 60 में। -12 को 60 में चेंज करने के लिए हम देखते हैं कितने टाइम्स टेबल लेना होगा। 12 ones are 12, 12 twos are 24, 12 threes are 36, 12 fours are 48, 12 fives are 60। 5 टाइम्स टेबल लेना होगा आपको, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन में 5 से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई किया है और 5 से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई किया है। साथ ही साथ क्वेश्चन में हमें प्लस 60 चाहिए। यहाँ -12 है और -12 से हमें अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -60 मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन में हमें क्लियरली दिया है कि आपको क्या लाना है, प्लस 60। तो प्लस 60 में चेंज करने के लिए हमें यहाँ माइनस लगाना होगा 5 के साथ। -5 से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, -5 से हम डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो इस तरह से हमें मिलेगा माइनस माइनस प्लस, 12 fives are 60, प्लस माइनस माइनस, 13 fives are 65। ओके, आई होप ये आपको सॉल्यूशन क्लियर है। ये सारे सॉल्यूशन मैं आपके लिए करते जा रही हूँ। सेम लाइक दैट क्वेश्चन नंबर 12 भी आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 में एक्सप्रेस -8/11 एज अ रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 22 and -55। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में 11 है उसको आपको 22 और -55 में चेंज करना है। सबसे पहले 22 में कैसे चेंज करेंगे, फर्स्ट कंडीशन देखते हैं। -8/11 है हमारे पास, इसे 22 में चेंज करने के लिए 11 ones are 11, 11 twos are 22, हमें 2 टाइम्स टेबल लेनी पड़ रही है। तो हम इसीलिए 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस प्लस माइनस, 8 twos are 16, 11 into 2, 11 twos are 22। इस तरह आपने देखा कि जो न्यूमरेटर हमारे पास, डिनोमिनेटर में जो हमारे पास 11 था, अब वो 22 में चेंज हो चुका है। सेकंड कंडीशन में हमें जो 11 है इसे -55 में चेंज करना है। अब हम देखते हैं कि 11 का टेबल कितने टाइम्स लेने में हमें 55 मिलेगा। 11 ones are 11, 11 twos are 22, 11 threes are 33, 11 fours are 44, 11 fives are 55। मुझे 5 टाइम्स लेनी पड़ी टेबल, इसीलिए मैंने इस नंबर को 5 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पर हमें जो प्रोडक्ट है वो -55 में डिनोमिनेटर चाहिए, 11 हमारे पास प्लस में है, इसीलिए हम -5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि हमें प्लस माइनस माइनस 55 मिले। न्यूमरेटर में भी हम -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में भी हम -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें फाइनल रिजल्ट मिलेगा माइनस माइनस प्लस, 8 fives are 40, प्लस माइनस माइनस, 11 fives are 55। इस तरह से आपका ये सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 12 का भी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दिया है एक्सप्रेस 14/-5 एज अ रेशनल नंबर विद न्यूमरेटर 56 and -70। यहाँ पे जो 14 है इसे 56 और -70 में चेंज करना है हमें। 14 का टेबल हम जब 4 टाइम लेते हैं तो हमें 56 मिलता है, इसीलिए मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई किया है। 14 fours are 56, माइनस प्लस माइनस, 5 fours are 20। इस तरह से हमारा जो न्यूमरेटर 14 है वो 56 में चेंज हुआ है। नेक्स्ट कंडीशन हमें दी है -70 की, न्यूमरेटर को जो 14 है उसे हमें -70 में चेंज करना है।
-70 में चेंज करने के लिए हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को -5 से मल्टीप्लाई किया है। जब हम -5 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिलेगा प्लस माइनस माइनस, 14 5 ज़ा 70, माइनस माइनस प्लस, 5 5 ज़ा 25। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है एक्सप्रेस 13/-8 एज अ रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर -40 and 32। यहाँ जो -8 है इसे हमें -40 और 32 में चेंज करना है। सबसे पहले हमने अपना रेशनल नंबर लिख लिया 13/-8। अब 8 का टेबल कितने टाइम्स लेने पे हमें 40 मिलेगा? 5 टाइम्स लेंगे हम जब 8 का टेबल तो हमें 40 मिलता है, इसीलिए हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 5 से मल्टीप्लाई किया है। 13 5 ज़ा 65, माइनस प्लस माइनस, 8 5 ज़ा 40। इस तरह से हमें ये जो डिनोमिनेटर -8 था वो हमारा -40 में चेंज हो चुका है। अब हमें डिनोमिनेटर को 32 में चेंज करना है। जब हम 8 का टेबल 4 टाइम्स लेते हैं तब हमें 32 मिलता है, इसीलिए मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई किया है। साथ ही साथ मैंने यहाँ माइनस साइन लिया है क्योंकि मुझे प्लस 32 चाहिए, इसीलिए मैंने -4 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया। मुझे मिला प्लस माइनस माइनस, 13 4 ज़ा 52, माइनस माइनस प्लस, 8 4 ज़ा 32। इस तरह से मेरा जो डिनोमिनेटर था वो -8 से 32 में प्लस 32 में चेंज हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन समझ में आ रहा है किस तरह से हमें डिनोमिनेटर चेंज करने हैं। इसी तरह से शॉर्ट में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 15 और 16 भी बता देती हूँ। ये भी उसी तरह से जिस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 9 से करते जा रहे हैं उसी तरह क्वेश्चन नंबर 15 और 16 भी हैं, वो भी शॉर्ट में एक बार देख लेते हैं। एक्सप्रेस -36/24 एज अ रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर -9 and 6। अब यहाँ पर हमें रिड्यूस करना है। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें जो 36 है इसे 9 में चेंज करना है, यानी हमें अब मल्टीप्लाई नहीं करना होगा, हमें डिवाइड करना होगा। देखते हैं किस तरह से डिवाइड करना होगा। हमें रेशनल नंबर दिया है -36/24। -36 को हमें किस हमें डिवाइड करके -9 में चेंज करना है। तो हमने 4 से न्यूमरेटर को भी डिवाइड किया, 4 से डिनोमिनेटर को भी डिवाइड किया। जब आप 36 को 4 से डिवाइड करेंगे आपको मिलेगा -9, और जब आप 24 को 4 से डिवाइड करेंगे आपको मिलेगा 6। इस तरह से आपका जो न्यूमरेटर था वो -36 से -9 में चेंज हो गया। सेकंड कंडीशन जो है, आपको अपना न्यूमरेटर -36 से +6 में चेंज करना है। इसके लिए हमने डिवाइड किया न्यूमरेटर को भी -6 से और डिनोमिनेटर को भी -6 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे डिवाइड होगा 36/6, तो हमें 6 मिलेगा, और 24 को जब हम -6 से डिवाइड करेंगे हमें -4 मिलेगा। इस तरह से आपके जो न्यूमरेटर है -36 से 6 में चेंज हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दिया है एक्सप्रेस 84/-147 एज अ रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 7 and 40 -49। यहाँ जो डिनोमिनेटर हमें दिया है -147, इसे हमें 7 और -49 में चेंज करना है। फर्स्ट कंडीशन लाने के लिए हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को -21 से डिवाइड किया। 84 को -21 से डिवाइड करने पे हमें मिला -4, और -147 को -21 से डिवाइड करने पे हमें मिलेगा 7। सेकेंड सिचुएशन, -49 लाने के लिए हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड किया है 3 से। 84 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे आपको मिलेगा 28, और -147 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे आपको मिलेगा -49। इस तरह से आपके ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। आप आई होप आपको सारे सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। आप ये सारे सॉल्यूशन अपने CW में नोट कर लीजिए और फोटोग्राफ क्लिक करके मुझे ग्रुप पर जल्दी से जल्दी सेंड कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।